अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व असहाबे मोहम्मद व बारिक व सल्लम। अभी हम दरगाह हुसैनी जनाब हज़रत सैयद सुलेमान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मारूफ लंडा बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार मुबारक पर हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का ताल्लुक सादात हुसैनी मशवानी कबीला से है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गरामी का नाम सैयद हुसैन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह था और आप 30वीं पुश्त में जनाब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुंचते हैं। आप दो भाई थे, बड़े भाई आप खुद थे और आपके छोटे भाई का इसमें गरामी सैयद हाजी हाशिम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह था, जो आपसे हज करते हुए वफात पा गए और जन्नतुल माला मक्का मुकर्रमा में उनकी ज़ियारत मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जिसका कोई शेख यानी मुर्शिद ना हो वो शैतान है। मुर्शिद सैयद सुलेमान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का ताल्लुक सैयद घराने से था। आपने सात हज पैदल किए। आप सिलसिला चिश्तिया से ताल्लुक रखते थे, जो आपका आबाई सिलसिला था, और हज़रत मीर सैयद मोहम्मद गेसु दराज अल हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का सिलसिला था। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 1002 हिजरी में विलादत पाई। 1002 हिजरी में आपकी विलादत से लेकर आपकी वफात तक आपने ईरान, अफगानिस्तान, अरब और दुनिया के कई ममालिक के सफ़र तय किए, जिनका तस्करा फारसी कुतुब में बकसरत मिलता है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 30 रजब को सन 1081 हिजरी में वफात पाई। आपका दरबार मुबारक सिरीकोट और सहमन शरीफ में वाक़े है।